वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। जय श्री राम के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरे रूम से काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब वन एंड हाफ वीक हो चुका है कंप्लीट। मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, बट आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। लाइक मेरी जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, लाइक बता ही देता हूँ, छोड़ो मेरे पास एक वॉच है टाइटन की, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव वॉच है। तो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ उसकी क्वालिटीज़ और उसकी मतलब क्या क्या है उसमें। और बाकी मुझे अभी हल्द्वानी भी जाना है, तो एक बार पहले मैं वॉच दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, स्कूटी डियो 125, ये मैंने ली है। मुझे ये पड़ी है ऑन, मतलब ये मुझे टोटल मैंने कैश पेमेंट करी थी तो 1,05,000 की पड़ी है। बहुत प्यारी स्कूटी है, लाइक पूरी बाइक का काम करती है, पहाड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने चलाई ये 2-3 दिन हो गए मुझे इसको चलाते हुए, बहुत ही बढ़िया मशीन लगी मुझे, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद और मैंने घर आके पता क्या लिया, दूसरा चीज़ मैंने एक और चीज़ लिया अपने के लिए, जो कि है मेरा ये बेड, ठीक है। ये मुझे पड़ा 16,000 का, गद्दा एंड बेड दोनों, ठीक है। और ये कारपेट तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने अभी इसके लिए ब्लैंकेट मंगाई है और एक कर्टन मंगाए हैं। बाकी ये है मेरे शूज, बहुत ही गंदे तरीके से रखे गए हैं। इसका भी मैंने शूज रैक मंगाया है, साइड टेबल मंगाए हैं, काफ़ी चीज़ मंगाया है मैंने। एक दिन में सब चीज़ पहुँच जाएगा। उसके बाद मैं अपना रूम थोड़ा डेकोरेशन करूँगा, अपने रूम के लिए फ्रेम मंगाए हैं, फोटो ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, लाइक प्लांट लगाने के लिए, ठीक है, गमले टाइप के, लाइक पॉट टाइप के। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी वॉच, ये रही मेरी वॉच, ठीक है। बस ये खाली वॉच का डब्बा है, बट मेरी वॉच जो है वो यहाँ है। तो मेरे जो वॉच का डब्बा है, जो मेरी बहुत सबसे एक्सपेंसिव वॉच है, उसका डब्बा ये है, ठीक है। तो ये खुलेगा कुछ इस टाइप से, तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास इसका जो वॉच है उसमें कुछ खास इसलिए है क्योंकि इसमें लगा है डायमंड और उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। तो मेरे पास पड़ी है अभी 3 वॉच, और एक दो वॉच मेरी अभी एक पापा ने पहनी है और एक मेरी खो गई है बहरीन में ही। तो ये रही मेरी सबसे एक्सपेंसिव वॉच, देख सकते हैं आप, टाइटन की है, जो ये बीच में पड़ा है इसका डायमंड है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो ये है उसका डायमंड का सर्टिफिकेट। और ये वॉच इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव है, मतलब मेरी एक महीने की सैलरी थी इस वॉच में, मेरी एक महीने से भी ज़्यादा की सैलरी। ये बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच है, मतलब मेरे 2 स्नीकर आ जाते हैं, ओरिजिनल 2 स्नीकर आ जाते हैं इस वॉच में। अब तो तुम समझ सकते हो कि कितनी एक्सपेंसिव है ये। और दूसरी वॉच है मेरे पास, दूसरी भी टाइटन की है बट उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ये खाली 5,000 की थी। मैंने ली थी एक साल पहले ली थी मैंने, ये उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये मतलब 5,000 की है। बट ये मुझे उस टाइम पे अच्छी लगी थी, उस टाइम पे ना इसका जो ये पट्टा होता ना, ये ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, तो ये फॉर्मल के लिए बहुत ही अच्छी थी, मैंने होटल के लिए ही ली थी। बट इसका जो वो पट्टा था उसका, ये टूट गया था, ये जो होता है ये टूट गया था, तो फिर मैंने इसका पट्टा चेंज करवा, तो ब्लैक ही करवा ली। तो मुझे ब्लैक ही ज़्यादा पसंद है ना, तो मेरे सारे वॉच जितने भी आप देखोगे सब ब्लैक ही है। तो तीसरी वॉच मेरे पास ये है अरमानी की वॉच, ठीक है। ये काफ़ी गंदी हो रही है, काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं करी है ना इसको, तो देखो ये है अरमानी की वॉच। ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब ठीक है, एक्सपेंसिव तो है थोड़ा बहुत। इसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये। तो टोटल अभी मेरे पास घड़ी का जो कलेक्शन हो उसकी टोटल कीमत पता हूँ कितनी है, उसकी टोटल कीमत है 70,000 प्लस 70,000 प्लस 70 to 80,000। तो बाकी इन दोनों की ऐड करके उसके लगा लो तुम, जो बच रहा है वो उसी वॉच का है। तो समझ सकते हैं आप, काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच है। और उसके बाद मैं अभी तुम्हें अपने परफ्यूम्स दिखाता अपना परफ्यूम। ये है लाइक ये मैंने बनवाया था बहरीन से, ये मुझे वनीला का जो इत्र होता ना, इत्र से मैंने परफ्यूम में कन्वर्ट करवाया था। तो ये मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा, ये मुझे 1,000 रुपये का पड़ गया था, ठीक है। मतलब 1,000 का भी नहीं पड़ा, 1,000 से कम का ही था, पता नहीं कितने का मैं भूल गया। और ये है जारा का, ठीक है। ये उसका जब मैंने लिया था ना उस टाइम पे अच्छी लगी थी, बट अब उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे इसकी स्मेल। इसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये, ठीक है। यह है अर्बेनिक का, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्मूद है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही प्यारा परफ्यूम है। इसकी कीमत भी ऐसी है, मुझे नहीं पता कितनी है, बट 3,000 के समथिंग पे है इसकी कीमत। एंड ये तो मैंने ऐसी लोकल शॉप से ले लिया था, लाइक मॉल से। इसकी मुझे उस टाइम पे मेरे पास एक भी परफ्यूम नहीं थे ना, तो जब मैं बहरीन पे था तो मैंने बहरीन से लिया था। बहुत अच्छा परफ्यूम है ये भी, और एक ब्लैक वाला है मैंने पापा को गिफ्ट कर दिया है। और सबसे महंगा परफ्यूम जो मेरे पास है वो है ये,
भाई इस परफ्यूम की कीमत ना ये दोनों वॉच के बराबर इस परफ्यूम की कीमत है, तो आप कैस कर लेना कितनी है करके। ठीक है काफ़ी महंगी है भाई, काफ़ी महंगी। तो मतलब समथिंग बता देता हूँ मोटा मोटा, मुझे एक्जेक्ट तो नहीं पता बट क्योंकि मैं भूल चुका, मैंने उस समय बहुत सारे परफ्यूम एक साथ ले रहे। इस परफ्यूम की कीमत है 10 to 12,000 के समथिंग। और एक परफ्यूम ये है मेरे पास, ये भी बहुत, ये मेरा फेवरेट, ये भले एक्सपेंसिव है ना बट फेवरेट मेरा ये है। ये एंड ब्रांड का है, एंड जैसे आपको पता ही होगा एंड बहुत ही प्यारा ब्रांड है कपड़ों का भी और परफ्यूम का भी, एंड करके एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, प्यारी स्मेल है इसकी और लॉन्ग लास्टिंग है, मेरा फेवरेट है। तो ये था मेरा परफ्यूम एंड वॉच का कलेक्शन। तो मैं अभी आपको अपने शूज़ का कलेक्शन तो दिखाता बट चलो आप, मैं आपको आज अपना आपको सूट का कलेक्शन भी दिखाता हूँ, मेरे पास भी कौन कौन से पड़े हैं राइट नाउ, क्योंकि बाकी मेरे अभी बाहर भी हैं वॉश करे मैंने ना, तो मेरे पास है, रुको मेरे पास बहुत, मतलब नहीं है ज़्यादा सूट नहीं है मेरे पास। एडिडास का सिम्बा है, रेट्रो वन है, एयर जॉर्डन रेट्रो वन है, और नाइकी का ब्रेजर है ये, पर मैंने अभी इसको वॉश नहीं करा तो प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है ये नाइकी का ब्रेजर है, ये भी बहुत ही प्यारा सूज है, ये ओरिजिनल है, ये कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये मैंने बैंगलोर से लिया था, मुझे एक बार में देखा था मैंने, मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। ठीक है और मेरे का कैंपस 010, ठीक है ये भी बहुत ही प्यारा सूज है, और यह है सिम्बा एडिडास का सिम्बा, और यह है रेट्रो वन एयर जॉर्डन की। एक दो एक बूट पड़ा है मेरे पास अभी, और एक एक ऐसे नॉर्मल वाइट कलर का सूज है, मतलब 1,000 रुपये के समथिंग का था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है बाकी अब मैं अपने सन ग्लासेस का कलेक्शन, तो यह है मेरे पास, ये देखो ये चश्मे है, ये नॉर्मल है, ये मिनिमम होगा, मैंने ये बहरीन से लिया था, 3BD, 3BD मतलब 600 का, 600 का है ये, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मैंने लेंस कार्ड से लिया था, ये थोड़ा क्या एक्सपेंसिव है, लाइक ओनली 2,000 का है ये। ठीक है और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था बट ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है, 800-900 के समथिंग का है। ठीक है और थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ये वाला चश्मा है, और ये मेरा फेवरेट भी है, ये भी मैंने बहरीन से ही लिया था, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है बट अच्छा है, मेरा मेरा फेवरेट ये, और ये भी मेरा फेवरेट है, तो ये दोनों मेरे फेवरेट है। बाकी मिलते हैं तुम्हें थोड़ी देर में, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, आज मैंने आपको अपना सब कुछ दिखाई दिया है, देखो सी कॉस्ट लगाया जाए ना तो मेरे पास टोटल मिनिमम 1 लाख, ये 1 लाख प्लस का सामान है, इतना सही 1 लाख प्लस, तो समझ रहे हो बंदा पैसे कमाता है होटल लाइन में, होटल लाइन ज्वाइन करो फटाफट। तो इवनिंग हो चुकी है मॉर्निंग से, ठीक है तो मैंने अपने के लिए एक पार्सल मंगाया था जो कि मेरे पास आ चुका है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ कैसा है, कैसे के नहीं बोल कहाँ भाग रही बोल, ओके इसको ओपन करते देखते हैं कैसा है मेरा पार्सल। ठीक है तो ये इस तरह से है, देखा मैंने ऐड कर लिया फाइनली, 1 घंटा लगा मेरे को इसको ऐड करने में। गुड नाइट, सी यू सून टू नेक्स्ट ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों ने मजा करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।